हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की तरफ से आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जानेंगे आज इसके इस वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, किसकी वजह से हो रहा है लोकल ट्रेनों और पैसेंजर ट्रेनों में जो है देरी। जी हाँ दोस्तों, किसकी वजह से सरकार अभी तक लोकल ट्रेनें और पैसेंजर ट्रेनों को चालू नहीं कर रही है, जानेंगे इसकी तमाम वजह। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यह कि 12 अगस्त तक के लिए सरकार ने सभी लोकल ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, मेल एक्सप्रेस सब कुछ जो है पूरी तरह से बंद किया था। जी हाँ दोस्तों, और 12 अगस्त जी हाँ दोस्तों करीब है, यानी कि 2 से 3 दिन के बाद आपको जी हाँ दोस्तों 12 अगस्त कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्या लोकल ट्रेनें स्टार्ट हो जाएंगी, क्या पैसेंजर ट्रेनें शुरू हो जाएंगी, या सभी ट्रेनें जी हाँ दोस्तों जैसे नियमित समय पर पहले चलाई जाती थी लॉकडाउन के पहले, क्या सब कुछ वैसा ही स्थिति होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। रेलवे के अधिकारी ने जो है पुष्टि की कि अभी फिलहाल लोकल ट्रेनें जी हाँ दोस्तों पूरी तरह से बंद ही रहेंगी, क्योंकि आने वाले कुछ समय के लिए जी हाँ दोस्तों लोकल ट्रेनों का बहुत बड़ा जो है पैमाने पर काम कर जा रहा है। और रेलवे जी हाँ दोस्तों अपनी जो लाइनें हैं उसे बिछा रही है पूरी तरह से, जो है रेलवे लगातार काम जारी रखा है ताकि आने वाले भविष्य में जी हाँ दोस्तों इतने लंबे समय के लिए रेलवे कभी बंद ना हो। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दूं कि रेलवे से ये खबर निकल के आ रही है कि रेलवे जो है पटरियों का काम तेजी से कर रहा है और जिसको पूरा करने की जो है टारगेट जो है वो 30 अगस्त तक का है, यानी कि आखिरी सप्ताह में आपका जो है ये काम पूरा हो जाएगा। यानी कि आपको हो सकता है इंतजार 15 दिन और करना पड़े, क्योंकि 12 अगस्त तक का जो अल्टीमेट आपको मिला था रेल मंत्रालय के द्वारा, वो अभी जी हाँ दोस्तों उसमें कमी है, क्योंकि अभी तक काम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी पटरियों पे पूरी तरह से काम चालू है और लोग अभी भी पटरियों को बिछा रहे हैं और इस काम को बड़ी तेजी से किया जा रहा है पिछले 3 माह दोस्तों, ताकि आने वाले समय में यानी जब फ्यूचर में भारतीय रेल कभी भी लेट ना हो। जी हाँ दोस्तों, ये जो थ्योरी है वो है जापान की, क्योंकि जापान में कभी भी ट्रेन लेट नहीं होती, ऑन टाइम आती है। बात करें बाकी के देशों में भी तो सेम यही सिचुएशन है कि टाइम कभी भी जो है टाइम पे आती है, यानी कि 5 से 2 मिनट लेट होती है तो लेटी, अदरवाइज पूरी ट्रेन टाइम पे होती है। लेकिन भारत में आपने देखा होगा कि ट्रेन 1 घंटा लेट है, 2 घंटा लेट है, 3 घंटा लेट है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पटरियों पर जी हाँ दोस्तों पूरी तरह से जो है विकसित नहीं हुआ था, जिसको लेके सरकार ने बहुत ही बड़ा काम किया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको यानी कि जब ट्रेन शुरू होगी तो आपको कुछ नया देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि कोई भी ट्रेन अब लेट नहीं होगी, लेकिन इसके लिए आपको और भी 15 दिन देने पड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पूरी तरह से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। बताया गया अधिकारी के माध्यम से कि अभी तक रेलवे का काम पूरा नहीं हुआ है पटरियां बिछाने का, और इस काम को तेजी से किया जा रहा है। साथ ही विद्युतीकरण का भी काम जो है कई इलाकों में चालू है, जो पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। इस लॉकडाउन में सभी काम को जो है शुरू किए गए थे ताकि आने वाले समय में जब लॉकडाउन खत्म हो तो लोग जो है इस सब चीजों से जो है सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, यानी कि अब आपको 30 अगस्त तक के लिए आपको सारी ट्रेनें जो है पूरी तरह से बंद ही रहेंगी, सिर्फ और सिर्फ स्पेशल ट्रेनें और कुछ इस पे जो है लोकल ट्रेनें को चलाया जाएगा, यानी पूरी तरह से लोकल ट्रेनें 30 अगस्त से पहले शुरू नहीं हो सकती। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बयान जो है एक अधिकारी ने दिया है। फिलहाल जो है जी हाँ दोस्तों, आपको 12 अगस्त के बाद जो है इसकी एक ऑफिशियल अपडेट मिल जाएगी सभी चैनलों के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार जो है बहुत ही जल्दी इसकी घोषणा करने वाली है, हो सकता है आपको कल या परसों में जो है इसकी घोषणा कर दी जाएगी। लोकल ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनें, एक्सप्रेस मेल, तमाम चीजों को अभी 30 अगस्त तक के लिए जो है बंद ही रखा जाएगा और उसके बाद ही इन सभी चीजों को खोला जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो और ये जानकारी आपकी हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों।